Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. Friends, this video is going to be about the ongoing crisis in Sri Lanka. Ye Sri Lankan crisis pe video hai. Let's see what all we are going to cover in this. Isme hum baat karenge the present situation in Sri Lanka ki aur kyun ye situation arise hui hai aur India ka kya role raha hai situation mein aur how is India helping. Also, we'll talk about the relevance of Sri Lanka, relevance of peaceful Sri Lanka for India. And the way forward in this situation. But before we dive into the video, let's talk about our combined batch for the preparation of state civil services. Ye batch PCS, HCS aur HAS exam ke liye hai. Aur this batch has a special feature of 7-day free trial. 7-day free trial feature mein aap 7 days absolutely free live lectures attend kar sakte hain. Also, you will get access to more than 250 lectures by our expert faculty members. तो ये 7-day free trial start कैसे करना है? तो start your 7-day free trial, you have to go on the link given in the description box. Description box में एक link है, उस पे जाइए और अपना 7-day free trial start कर सकते हैं आप वहाँ से. Now coming back to our video, सबसे पहले हम बात करते हैं present situation की कि अभी हो क्या रहा है श्रीलंका में. तो श्रीलंका जो है वो witness कर रहा है अपना worst economic crisis since its independence. In 1948 में श्रीलंका के इंडिपेंडेंस के बाद ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है जो श्रीलंका में अभी चल रहा है. अब इस क्राइसिस में क्या हो रहा है, फूड फ्यूल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, वो चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो स्टेप डाउन कर ले. और गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो क्या अनाउंसमेंट्स हैं, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ डिफॉल्ट ऑफ $51 बिलियन जो उसका एक्सटर्नल डेट था गवर्नमेंट का, उस पर डिफॉल्ट अनाउंस करा है गवर्नमेंट ने. ऑल्सो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो IMF के साथ एक डील नेगोशिएट करेंगे टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस, राइट. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ह्यूज प्रोटेस्ट आर हैपनिंग, समटाइम्स दे टर्न वायलेंट एज वेल, इमरजेंसी भी लगी थी. तो अभी ये सिचुएशन है श्रीलंका में. अब ये सिचुएशन अराइज क्यों हुई, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, ठीक है. तो प्रॉब्लम्स क्या थी, बातें क्या थी, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है कि सिविल वॉर हुई थी श्रीलंका में, ठीक है. श्रीलंका विटनेस्ड सिविल वॉर फॉर 26 ईयर्स तक श्रीलंका में सिविल वॉर चली, ठीक है. ये सिविल वॉर की स्टार्टिंग क्या थी, ईयर 1956 में ना एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ श्रीलंका में, जिसने सिन्हलीज लैंग्वेज जो कि वहाँ की बुद्धिस्ट क्लर्जी की लैंग्वेज है, सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये एक्ट इसलिए लाए हैं क्योंकि जो इंडिया इंग्लिश का जो यूज़ है हम उसको कम करना चाहते हैं. बट देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन श्रीलंका, तमिल्स हैं, जो उनको लगा कि दिस एक्ट इज एन अटैक ऑन देयर लैंग्वेज, ठीक है. उसके कारण दे फेल्ट दैट देयर लैंग्वेज हैज़ बीन डिसइनफ्रेंचाइज्ड, तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. तो तमिल्स जो थे दे गॉट एंग्री एंड दिस सिचुएशन लेड टू सिविल वॉर. इसके बाद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक LTTE फॉर्म हुए, तमिल इलाम की फॉर्मेशन के लिए. तो तमिल्स हैं किस एरिया में, ये नॉर्दर्न एरिया में, ईस्टर्न एरिया में और कुछ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में तमिल्स की प्रेजेंस है श्रीलंका में. तो सिविल वॉर हुई 2009 में, ये सिविल वॉर ख़त्म हुई. सिविल वॉर के कारण क्या हुआ या क्या होता है, सिविल वॉर के कारण जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं वो बहुत डाइवर्ट हो गई, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर पाई और वॉर की तरफ रिसोर्सेज डाइवर्ट होती गई. इसके कारण जो डेवलपमेंट थी श्रीलंका की वो इतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो पाई. तो इंडिया के साथ एक अकॉर्ड साइन हुआ था ईयर 1987 में, जिसको इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड कहते हैं. उसमें ये डील हुई थी कि 9 प्रोविंसेज में प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम होगा और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी 9 प्रोविंसेज में जिसमें तमिल्स हैं, ठीक है. इसको 13th अमेंडमेंट भी कहते हैं, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी पढ़ा भी होगा. तो 13th अमेंडमेंट की बात हुई थी उसमें कि उनको पावर्स दे दी जाएंगी. और इंडिया ने एक पीस कीपिंग फोर्स भी वहाँ लगाई थी जिसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, IPKF श्रीलंका में. पर एक कुछ साल बाद इंडिया ने इसको हटा लिया था क्योंकि जो वायलेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ, तो इसलिए ये पीस कीपिंग फोर्स भी इंडिया ने लगाई थी. और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पवन. अंडर ऑपरेशन पवन इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की थी सिविल वॉर के टाइम श्रीलंका में, राइट.
दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. नाउ प्रेजेंट सिचुएशन या रीसेंट बातों के रीसेंट क्या हुआ है उसकी बात करते हैं. 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी. ईस्टर बॉम्बिंग्स में क्या था, क्या हुआ कि जो टूरिस्ट्स थे ना उनको बहुत ही थ्रेटन्ड फील होने लग गया. फिर यहाँ तो जो टूरिज्म सेक्टर था उसको वो उसने सफ़र किया आफ्टर ईस्टर बॉम्बिंग्स एंड पैंडमिक इज़ वेल. तो 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके बाद पैंडमिक आ गया, तो जो टूरिज्म सेक्टर था उसने सफ़र किया श्रीलंका के. और कुछ गवर्नमेंट की भी ऐसी पॉलिसीज रही हैं जिसके कारण जो श्रीलंका की डेवलपमेंट थी या इकोनॉमी थी वो स्टेबलाइज नहीं हो पाई. क्या थी वो पॉलिसीज़? 2019 में ही अगेन न्यू गवर्नमेंट आई थी श्रीलंका में, जिसने बहुत सारे टैक्स गिफ्ट्स, टैक्स कट्स लगाए, ठीक है, फॉर अपीजमेंट. तो उससे क्या हुआ, जो स्टेट एक्सचेकर था उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा. ऑल्सो अप्रैल 2021 में श्रीलंका कम्प्लीटली बैंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर का बैन कर दिया. उससे क्या बात हुई कि जो प्रोडक्शन थी, फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो गई, क्योंकि टोटल शिफ्ट हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग पे. और जो टी है, जो श्रीलंका का मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत कम हुई. इससे भी चाइना, जो श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत कम हुए. और जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स थी, जो चाइना, जो श्रीलंका की ज़रूरतें थी वो तो उतनी ही रही, पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वो इनएडिक्वेट हो गई, वो कम हो गई. इससे ट्विन डेफिसिट का इशू आने लग गया. ट्विन डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, राइट? दैट इज व्हेन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. तो ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आने लगी. एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत ज़्यादा थी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम थी, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंसेस बढ़ते गए. एंड फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे वो डिप्लीट होने लग गए, करेंसी जो थी वो वीक हो गई. एंड दिस ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू राइजिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बहुत बड़ी. अब ये हाल है कि बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स के लिए भी लॉन्ग क्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट्स लग रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फ्यूल नहीं है, एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ देयर. ठीक है, नाउ इंडिया का क्या रोल रहा है? इंडिया हैज़ एक्टेड लाइक अ गुड नेबर. इंडिया इज बींग वेरी हेल्पफुल टू श्रीलंका, और इंडिया श्रीलंका की हेल्प करता आ रहा है. इंडिया ने करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट्स और वेरियस एड्स भी दी हैं श्रीलंका को. सो ऑल दिस इज अबाउट दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रेलिवेंस फॉर इंडिया. इंडिया ये क्यों कर रहा है और श्रीलंका इंडिया के लिए रेलिवेंट है क्यों? सबसे पहली बात है लोकेशन. जो श्रीलंका की लोकेशन है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है श्रीलंका, तो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस और डोमिनेशन बनाए रखने के लिए श्रीलंका से फ्रेंडली रिलेशन बहुत ज़रूरी है, राइट? नाउ इंडिया का ये लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन द साउथ. साउथ में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है श्रीलंका. और इंडिया की जो बहुत ही पुराने टाइम से, फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स, इंडिया की कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो श्रीलंका से है. सो इंडिया हैज़ बिन एंड इंडिया एंड श्रीलंका हैव बिन फ्रेंड्स और हैव बिन पार्टनर्स और हैव हैड दिस रिलेशनशिप सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? और इंडिया के लिए क्यों वो इम्पॉर्टेंट है पीस और सिक्योरिटी श्रीलंका में? क्योंकि अगर श्रीलंका में पीस और सिक्योरिटी नहीं होगी तो इलीगल माइग्रेशन इंडिया की तरफ बढ़ेगी. बिकॉज अगर अब इतना पास नेबर है और उसमें पीस और सिक्योरिटी नहीं है, वॉर की सिचुएशन है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो इलीगल रिफ्यूजीज तो माइग्रेट होंगे. अभी भी तमिलनाडु में काफ़ी से लोग आ चुके हैं माइग्रेट करके. और इंडिया कैन यूज़ दिस क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी. किस तरह से? कि चाइना की जो प्रेजेंस है इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, उसको कम करने के लिए अभी इंडिया एज दिस इस प्रोटेस्ट को, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके, उसको प्रॉपरली अपने नेबर की हेल्प करके चाइना की जो प्रेजेंस है उसको कम कर सकता है. चाइना की प्रेजेंस का क्या सीन है कि चाइना अपनी वेरियस पॉलिसीज से, लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी और ऐसी वेरियस पॉलिसीज से एक इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बना रहा है, राइट? तो उसको हम कम कर सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए चैलेंज है. तो उसको भी कर्व करने के लिए इंडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हेल्प चाइना, हेल्प श्रीलंका, सॉरी, राइट? तो श्रीलंका ने क्या किया था? श्रीलंका ने जैसे हम्बनटोटा पोर्ट की लीज दे दी थी चाइना को, और कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट वो भी चाइना के पास था. तो ये अगर, और चाइना जो श्रीलंका जो है उसका एक
अनबायस्ड अप्रोच नहीं है इंडिया की तरफ, वो चाइना से भी हेल्प ले लेता है और चाइना से भी उसने बहुत सारे अग्रीमेंट्स और लीजेस की हैं, जैसे ये हम्बनटोटा कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट में। तो पर क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसमें इतना बढ़िया नहीं रहा है, तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्टेप इन, राइट। और जो हमारे पेंडिंग बायलेटरल इशूज हैं, जैसे कि पाक बे, यहाँ पर पाक बे है, इसका जो इसकी जो डिस्प्यूट है, फिशरीज का जो फिशरमैन का डिस्प्यूट चलता रहता है कि वो हमारे वाटर में एंटर कर गए, उन्होंने फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया या व्हाटएवर, ऐसी जो भी इश्यूज चलते आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने का भी ये राइट टाइम है, राइट। और जो एथनिक इशू है तमिल्स और सिन्हलीज के बीच में, इंडिया उसको भी, उस पर भी नेगोशिएट कर सकता है 13 अमेंडमेंट की जो बात हमने की थी उससे रिलेटेड, राइट। So this is the basic, these are the basic points of importance of Sri Lanka for India. India ke liye Sri Lanka kyun important hai? Now, way forward kya hai? Ki ab Sri Lanka ko aur India ko kya karna chahiye taaki is crisis ki situation se bahar nikal sake wo? Sabse pehle Sri Lanka ke liye measures hum dekhte hain. Sri Lanka ko jo various groups hain in the nation, un sabko ikatthe hokar ek development plan banana chahiye taaki country ki economic development ho. Aur जो डोमेस्टिक टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि करेंसी के लिए, करेंसी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टैक्स गिफ्ट्स और इरेशनल सब्सिडीज थी उन सबको कम करना चाहिए, ठीक है, सब्सिडीज को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, डोमेस्टिक टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहिए। दीज आर द मेजर्स फॉर श्रीलंका। नाउ व्हाट कैन इंडिया डू? इंडिया असिस्ट कर सकता है, पॉलिसी एडवाइस दे सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, श्रीलंकन बिजनेसेस की हेल्प कर सकता है टू हेल्प श्रीलंका कम आउट ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन। और जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको भी स्टेप अप कर सकता है अपनी गुडविल बनाने के लिए, राइट, और ऑल्सो टू ब्रिंग श्रीलंका आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। और जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो इस तरह से काम कर सकते हैं कि अपनी पॉलिसी चेंज में श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि अगेन कि श्रीलंका बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं श्रीलंका के जो कि वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में आते हैं, तो उनकी हेल्प ले सकता है इंडिया कि अपनी सप्लाई चेन्स में उनको इंटीग्रेट कर ले। इंडिया का भी फायदा होगा और श्रीलंका का भी इससे, राइट। नाउ दिस इज इट अबाउट द श्रीलंकन क्राइसिस, ये पूरी बात थी श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर हम एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडो श्रीलंका डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये इंडिया श्रीलंका के डिफेंस कोऑपरेशन की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, कुछ नेवल एक्सरसाइजेस हैं जिनकी हम बात करेंगे। इंडिया श्रीलंका कंडक्ट स्लिनेक्स, अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स कंडक्ट दोस्ती, अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। इंडिया एंड श्रीलंका एनुअली कंडक्ट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो स्लिनेक्स क्या नेवल एक्सरसाइज है? यस, और ये इंडिया श्रीलंका की है। इंडिया श्रीलंका मालदीव्स की नेवल एक्सरसाइज दोस्ती है, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडिया और श्रीलंका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, दिस इज अगेन करेक्ट। सो बोथ ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द मेंस क्वेश्चन। यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मेंस क्वेश्चंस अभी से ही, यू शुड राइट वन आंसर अ डे। तो श्रीलंका इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया टू मेंटेन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। In the light of the present events, discuss about the current issues ongoing in Sri Lanka and what role should India play in order to protect its strategic interests and pacify the situation. तो श्रीलंका बहुत important है इंडिया के लिए, right? और इंडिया के क्या रोल होने चाहिए ताकि जो present situation चल रही है श्रीलंका की, श्रीलंका में, उससे वो उसको बाहर ला सके, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि importance क्या है श्रीलंका में peace की इंडिया के लिए, ठीक है। Then we are going to talk about कि जो प्रेजेंट इश्यूज हैं उन पे लाइट डालेंगे थोड़ी कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्यों ये हुए, और देन वी विल टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड कि इंडिया किस तरह श्रीलंका की हेल्प कर सकता है और ये कैसे इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो आई होप यू प्रैक्टिस दिस, एंड नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट आर बैच फॉर कंबाइंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज। एक बार दोबारा इसकी बात कर लेते हैं, ये बैच PCS, HCS और HAS एग्जाम के लिए है। इसका एक स्पेशल फीचर है 7-day फ्री ट्रायल का। 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट करने के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और आपका 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। दिस बैच इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ PCS, HCS एंड HAS एग्जाम। ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बैच है, 7-day फ्री ट्रायल इसका एक स्पेशल फीचर है। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर इट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल अभिमन्यु IAS। थैंक यू।